हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 45 करने वाले हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, और ये 16 अक्टूबर के लिए वर्कशीट है। देखिए, आपको पढ़ना है टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑन टेंजेंट टू ए सर्कल। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल पढ़ना है आपको टेंजेंट ऑफ सर्कल के लिए। कहता है रिकॉल एंड आंसर। सबसे पहले रिकॉल एंड आंसर, क्योंकि चार पार्ट हैं इसके। देखिए क्या है रिकॉल एंड आंसर में। आप देखिए, पहले कहता है ड्रॉ ए टेंजेंट ए बी टू बी ए सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द बी। देखिए, एक सर्कल बनाना है, सेंटर ओ है, और एक आपको टेंजेंट खींचनी है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ है जी, बी पर है। ए बी कोड खींचनी थी जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ है जी, बी पर है। होगी जी, पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए, कहता है ए टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू ए सेकेंड ऑफ द सर्कल, ट्रू और फॉल्स। कहता है कोई टेंजेंट जो है, कोई भी टेंजेंट क्या कभी किसी सेकंड के पैरल हो सकती है? हो सकती है, हो सकती है जी, हो सकती है। इसके भी पैरल है, इसके भी पैरल है, इसके भी क्या ये पैरल ही रहेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ट्रू। हर केस में ट्रू नहीं है, लेकिन हो सकती है। ठीक है, क्योंकि देखिए इस केस में ट्रू नहीं है, अगर मैं ये खींच दूंगा तो पहले लाइन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, पहले। तो उसने ये पूछा हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक, तीसरा देखिए, कहते हैं टेंजेंट इज अ पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या ये हम पढ़ चुके हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है रेडियस के ऊपर कितने का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। थ्योरम 10.1 में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्या है आपका रेडियस। थर्ड पार्ट में आपका खाली स्थान में जाएगा रेडियस। चौथा पार्ट देखिए, आपका ब्लैंक के अंदर आ जाएगा, यानी कि द ब्लैंक है ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल द लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या आ जाएगा खाली स्थान में आपका, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती हैं, जो बाह्य बिंदु से खींची जाती हैं, उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है जी, बराबर। ठीक है बेटा, तो अब देखिए एग्जांपल फर्स्ट क्या कहता है इसके साथ ही। पहला क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट इन टू कोसेंट्रिक सर्कल। कहता है दो कोसेंट्रिक सर्कल है, उनको प्रूव करना है द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल की जो कोड है वो टच द स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और इस पॉइंट पर क्या करती है, उसको बाइसेक्ट करते हैं, दो इक्वल पार्ट में बांट देती है। तो देखिए क्या लिख देंगे हम गिवन में, गिवन में हमारे लिए क्या है, टू कोसेंट्रिक सर्कल हैविंग सेंटर ओ। दो कोसेंट्रिक सर्कल है जिसके सेंटर क्या है जी, ओ है, एंड कोड ए बी ऑफ द लार्जर सर्कल, कोड ए बी ऑफ द लार्जर सर्कल टच दी स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट पी। हमने मान लो पी पे कर दिए। ठीक है जी, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ करना है हमको कि दोनों साइड क्या है जी, बराबर है। तो ए पी बराबर प्रूफ करना है बी पी के। ठीक है, तो देखिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन ऐसा काम जो अपनी सहूलियत के लिए करते हैं। ज्वाइन ओ पी क्या कर लेंगे जी, ज्वाइन ओ पी। ओ पी को ज्वाइन करते के साथ ही मैं देखिए प्रूफ करना मेरे लिए बड़ा आसान हो गया। मैं ये लिख दूंगा कि अगर इसके ऊपर पर ओ पी को मिला दिया है और ये रेडियस अभी क्या है, टेंजेंट है, तो इसके बीच में जो कोण बना होगा कितने का होगा, 90 का होगा। यानी कि ओ पी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, ए पी के ऊपर। क्यों लिख देंगे उसको, एंगल मेड बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ठीक है, हम ये जानते हैं। और अगर ये इसके ये परपेंडिकुलर है तो मैं कह दूंगा कि ओ पी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जब हम सेंटर से कोड के ऊपर खींचते हैं तो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ओ पी इज द बाइसेक्टर ऑफ द कोड
ए बी क्यों करता है ये, एस द परपेंडिकुलर, क्या बेटा परपेंडिकुलर फ्रॉम दी सेंटर, हम जानते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट दी कोण, कोण को क्या करता है बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब क्या हो गया ए पी बराबर आपका बी पी होता है, ठीक है ये हम जानते हैं। ये हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर होगा क्योंकि रेडियस और टेंजेंट की बना हुआ है। फिर हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी सेंटर से कोण पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कोण को बाइसेक्ट करता है, ठीक है लिख दिया गया। अब ये बाइसेक्ट करता है इसका मतलब क्या होगा, ए पी बराबर बी पी, ये जो थ्योरम है ओ पी इज द बाइसेक्टर ऑफ कोण ए बी एज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोण, ये हमने आपके 9th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है बेटा उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है। दूसरा एग्जाम्पल कहता है टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू, टू टेंजेंट है टी पी और टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल, सर्कल के ऊपर खींचे गए हैं टू टेंजेंट विद सेंटर ओ, ओ के साथ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी है बेटा, ये एक्सटर्नल पॉइंट क्या है टी, आपके जो क्वेश्चन उसमें पी लिखा हुआ गलत है, क्या है टी, प्रूव दैट पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू डबल है किसका एंगल ओ पी, ये प्रूफ करना है। तो मैं लिख दिया कि सर्कल है सेंटर को रखता है और डी पी टी क्यू क्या है दो टेंजेंट है, प्रूफ हमको ये करना है कि पी टी क्यू जो ये एंगल है ये क्या है डबल होगा ओ पी क्यू का इसका बटा। तो सबसे पहले देखिए प्रूफ में क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे कि टी पी बराबर होता है टी क्यू के, क्यों, क्योंकि ये है टेंजेंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं, दोबारा लिख देते हैं जी ये है आपके टेंजेंट ऑफ सर्कल, ठीक। अब जो टेंजेंट ऑफ सर्कल है तो मैं ये भी जानता हूँ कि अगर इक्वल साइड होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो टी पी के सामने देखिए एंगल क्या आ जाएगा ये आ जाएगा एंगल 2 और टी क्यू के सामने एंगल 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कह दिया एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 हो गया, कारण अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड मैं जानता हूँ इक्वल ही होते हैं अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है इक्वल होते हैं, मुझे पता चले 2 = 1 के। अब मैं क्या करूँगा ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो इन ट्राइंगल पी क्यू टी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी टी क्यू, क्या जी पी टी क्यू कितना होगा 180 होगा, सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ये एंगल या ट्राइंगल इसका मतलब 1 तो 1 रहा, 2 की जगह भी क्या लिख दिया मैंने 1 लिख दिया, ये हमारा पी टी क्यू है, ठीक है ये हो गया 2 एंगल 1 कितना हो गया ये हमारा 2 एंगल 1 हो गया, ये हमारा पी टी क्यू है, ये पी टी क्यू को उठा के मैं उधर ले गया 180 माने था कौन हो गया पी टी क्यू, ठीक है। अब हमें तो एंगल 1 की वैल्यू निकाल दीजिए, 2 कहाँ जाएगा हमारा अपॉन में चला जाएगा 180 माने से कौन पी टी क्यू बटे में 2 हो गया, इक्वेशन क्या होगी अपॉन में 2 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट कह दिया इसको। फिर मैं जानता हूँ कि जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस और टेंजेंट के बना हुआ है तो इनका सम कितना होगा 180 होगा, एंगल ओ पी टी कितना होगा जी 90 डिग्री होगा, एंगल बिटवीन एंगल मेड बिटवीन और रेडियस एंड टेंजेंट है क्योंकि, ठीक है 90 डिग्री होगा। ओ पी टी किस किस से मिलकर बना हुआ है, ओ पी टी बना एंगल 1 से और ओ पी क्यू से, इन दो से तो मिलकर बना हुआ एंगल 1 और ओ पी क्यू से, तो ये ओ पी टी बना हुआ है एंगल ओ पी क्यू प्लस में एंगल 1 से, ठीक है जी ये 90 है, तो एंगल 1 की वैल्यू निकाल देंगे कितना होगा 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या होगी सेकेंड होगी जी, तो ये भी एंगल 1 के बराबर है और ये भी एंगल 1 के बराबर, जो दो चीज़ें एंगल एक ही चीज़ के बराबर तो आपस में भी क्या होती है वो बराबर होती है, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा जी एंगल 1 यहाँ कितना है 180 माइनस का एंगल पी टी क्यू बटे में, तो यहाँ हो जाएगा बराबर है 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू, 2 की बटे इधर गुणा कर देंगे ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल पी टी क्यू और ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल ओ पी क्यू, तो क्या पाया हमने 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एंगल पी टी क्यू बराबर हो गया माइनस का एंगल ओ पी क्यू के, तो हमने पाया माइनस से माइनस भी कट जाएगा ये, तो क्या बचा आपका एंगल पी टी क्यू बराबर आ गया एंगल ओ पी क्यू के, यही तो प्रूफ करना था बेटा हमें,
पी टी क्यू बराबर डबल एंगल, सॉरी डबल का होंगे इसका, दो से इसकी गुणा करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे बेटा, ओ पी क्यू भी जाएगा, टू एंगल ओ पी क्यू। माइनस से माइनस करेंगे, टू एंगल ओ पी क्यू, ठीक है बेटा, दो से इधर गुणा होगी ना, तो हमने खाली 90 डिग्री ओ पी क्यू से भी तो होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो दूसरा एग्जाम्पल बेटा वो भी हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीन क्या दिखाई दे रहा है आपको, एग्जाम्पल नंबर तीन क्या था, पी क्यू से कोण, पी क्यू क्या है, कोण है दिखाई दे रही है आपको, पी क्यू से कोण ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई टोटल भी है 8 है, ठीक है, ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसके सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, पी और क्यू के जो टेंजेंट है वो कहाँ मिलते हैं, टी पर मिलते हैं, देन फाइंड द लेंथ टी पी, तो कहता है टी पी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा क्या करेंगे हम इसके अंदर, हम इसमें करेंगे ज्वाइन ओ टी, ओ टी को क्या कर लेंगे, मिला लिया, ओ टी को जब हमने मिलाया तो हम ये जानते हैं कि ये जो है आपका इक्वल साइड होती है, क्योंकि टेंजेंट ऑफ सर्कल क्या होती है, इक्वल होती है, और ये जो एंगल यहाँ से हमने खींचा है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट की तरह तो काम करता है, ये दो इक्वल पार्ट में बांटता है इसको, इस एंगल को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है तो ये सामने वाली साइड पर क्या होगा, लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो इस पर भी ये परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या होगा, ये 90, तो वो भी क्या होगा, 90। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस चीज को कि ट्रायंगल पी क्यू टी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्यों होगा आप ये जानते हैं, क्योंकि पी क्यू बराबर क्या है, पी टी बराबर क्या है, क्यू टी है, ठीक है। जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा एंड पी ओ इज बाइसेक्ट दी एंगल पी टी क्यू देयरफॉर पी ओ टी आर लिख दो, टी आर बाइसेक्ट दी साइड पी क्यू, पी क्या कर देगा जी, बाइसेक्ट कर देगा, क्या कर देगा ये, क्योंकि जब हम आइसोसेलेस हो ट्राइंगल होता है या इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, अगर हम इस यहाँ से पर ये बाइसेक्ट करते हैं एंगल को तो सामने वाली साइड को क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है। ये पी क्यू को बाइसेक्ट कर दिया उसने, यानी कि पी आर कहूँ या क्यू आर कहूँ, कितना हो जाएगा वो, पी क्यू का आधा, और पी क्यू कितना पूरा 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर का पी आर, पी आर हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब ले लेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर, पी ओ आर, पी ओ आर के अंदर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है, ओ आर हमें पता है। ओ पी कितना हमारे पास, ओ पी है हमारे पास 5, पी आर है हमारे पास 4, और ओ आर हमको निकालना है। 5 का स्क्वायर हम जानते हैं 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और हमें ओ आर निकालना है। 16 को उठाकर दलिए का हो गया माइनस का हो गया, यहाँ बैठा गया आपका ओ आर, कितना बचा 9, स्क्वायर अटैक लग जाएगा रूट, तो हम जानते हैं 9 का कितना आता है वर्गमूल जी, 3 आता है स्क्वायर रूट, ओ आर हो गया हमारे पास 3। अब मैं ये कहता हूँ, ध्यान दीजिए जरा, मैं ये कहता हूँ कि ट्राइंगल, ये ट्राइंगल पी आर टी और पी ओ आर क्या हैंगे आपके, सिमिलर होंगे, क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मैं कहता हूँ कि ट्राइंगल टी आर पी, स्क्रीन में आ रहा है जी, ट्राइंगल टी आर पी सिमिलर होंगे ट्राइंगल पी आर ओ के, क्यों होंगे, क्यों होंगे जी, ये टी आर पी और पी आर ओ सिमिलर क्यों होंगे, ये सिमिलर होंगे इसलिए क्योंकि दोनों के दोनों है राइट एंगल ट्राइंगल, टी आर पी ये और ओ पी आर ओ, ये दोनों के दोनों के आपके राइट एंगल है, 90 डिग्री कोण है, 90 डिग्री जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं आपके, सिमिलर होते हैं, ठीक है। जब ये सिमिलर तो साइड की रेशियो बराबर, तो इसके लिख देंगे इसका टी पी, यहाँ देख लीजिए
क्या लिख देंगे जी हम, इसका टीपी और इसका पीओ। इसका टीपी लिखा तो इसका ही लिखना पड़ेगा पीओ। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, आर पी बटे में आर, क्या लिख देंगे, आर पी अपॉन में आर। ठीक है, तो हमने देखिए इस वाले ट्रायंगल का पीटी लिया तो इसका क्या लिया, पीओ लिया, और इस वाले ट्रायंगल का हमने आर पी लिया तो इस वाले ट्रायंगल का आर ओ लिया। तो टीपी कितना, देखिए टीपी 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 कितना है हमारे पास, टीपी निकालना है, टीपी तो हमें टीपी निकालना है। पीओ कितना है, पी ओ, पी ओ 5 सेंटीमीटर की रेडियस हमारी, और आर पी 4 है दिखाई दे रहा है, और आर ओ कितना निकाला हमने, आर ओ या ओ आर कितना 3, इसकी इधर गुणा कर देंगे तो टी पी कितना हो गया बेटा, 5 × 20/3 सेंटीमीटर। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट क्या हो गई, ओ सॉरी, आपका तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया एग्जांपल आपका। अब आप जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो देखिए हमने किस तरह की जो क्वेश्चन 1 है, देखिए क्या कहता है वो, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे यही कहता है, लिस्ट द थ्योरम विद स्टेटमेंट एंड क्राइटेरियन अप्लाइड इन द की 1 एग्जाम्पल 1 to 3। 1 to 3 के अंदर कौन कौन सी थ्योरम आपने यूज़ करी है, स्टेटमेंट कौन सी यूज़ करी है आपने, वो आपको बताना। तो पहले ही हमने यूज़ करा था कि टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसको हमने लिखा था एंगल मेड बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ठीक है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना होता है 90 डिग्री का होता है, तो इसलिए इसमें क्या लिखा है, टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ सर्कल। ठीक है, ये स्टेटमेंट इसकी आपकी बुक की स्टेटमेंट है एनसीईआरटी की। दूसरी में हमने यूज़ किया था द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टू ए सर्कल आर इक्वल, के एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमने दो टेंजेंट खींचे होते हैं उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। फिर हमने पहले में ये भी यूज़ किया था परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बाइसेक्ट का कोड हो क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है। इसके अलावा आपने थर्ड में हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी थी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल आपने इस, ठीक है जी, पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो आप 3 ही लिख देना बहुत है। अब देखते हैं इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। बेटा दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, कहता है पॉइंट क्यू से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो कितनी है आपकी 24 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, और जो क्यू की सेंटर से डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी बेटा 25 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल आपको फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 7, 12, 24.5 और 15। तो देखिए क्या है, ओ क्यू बेटा हमें दे रखा उसने 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू दे रखा हमको 24 सेंटीमीटर, और ओ पी हमको फाइंड करनी है। तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू बेटा हम ये जानते हैं, ये तो 90 डिग्री होता है एंगल मेड बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। अब ये 90 डिग्री होता है इसके अंदर कौन सी थ्योरम लगेगी, राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लिख देंगे बाय पीटी पाइथागोरस थ्योरम से। ओक्यू कितना हमारे पास है 25 बेटा, ओपी हमें निकालना है और पीक्यू हमारा 24 है। 25 का स्क्वायर हो गया 625, ओपी हमें नहीं पता है, 24 का स्क्वायर हो गया 576। ठीक है, 24 की 24 से गुणा कर देंगे, संख्या संख्या एक तरफ, 576 इस इधर आ गया, ये ओपी का स्क्वायर है, कितने बचे 49 बचे, स्क्वायर टाइम क्या लग जाएगा रूट, तो 49 का कितना होता है बेटा हम जानते हैं 7 × 7 कितना निकल कर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ये आपकी रेडियस है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका ए बेटा, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज क्या हो गया बेटा ए। 4 ऑप्शन दे रखे थे ना ए बी सी डी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, आसान है, ए पी कहता है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रोन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ये डायमीटर है आपको समझो ए बी, इसके एंड पॉइंट से ए और बी से हमने दो क्या खींच दी, टेंजेंट खींच दी, ये समझो क्या खींच दिया हमने, ये हो गया पी क्यू और ये टेंजेंट है आपके आर एस। ठीक है, दो टेंजेंट खींच दिए डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, आर पैरेलल, तो ये जो टेंजेंट हमने खींची है क्या आपके पैरेलल है। ठीक है, ये प्रूव करना है आपको, देखिए जी गिवन में क्या लिख देंगे, ए ओ बी इज ए
डायमीटर ऑफ सर्कल, क्या है ये आपका डायमीटर ऑफ सर्कल है। जब डायमीटर ऑफ सर्कल आपका है और पी क्यू एंड आर एस, एंड तो लिखिए एंड आर एस आर क्या है आपके भैया जी, टेंजेंट है। पी क्यू आर एस क्या है जी, टेंजेंट है, जो कि इसको टच करते हुए जाते हैं। तो प्रूफ करना है आपको, प्रूफ ये करना है कि जो पी क्यू और आर एस है क्या है आपके पैरेलल है। पी क्यू और आर एस क्या है आपके पैरेलल। तो देखिए प्रूफ टू, प्रूफ क्या लिखता हूँ, तो प्रूफ में देखिए आप, मैं ये कहता हूँ कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि रेडियस होगी और रेडियस और टेंजेंट के जो एंगल बना होता है क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। एंगल वन इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री, कारण एंगल मेड बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है। अब 190 का होगा तो मैं कहता हूँ इधर वाला भी क्या होगा, ये 90 का होगा, क्योंकि ये भी क्या है रेडियस और ये क्या है टेंजेंट है। एंगल टू भी कितना होगा आपका, 90 होगा। कारण क्या रहेगा बेटा इसका, यही रहेगा एंगल मेड बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है। रेडियस और टेंजेंट के जो एंगल बने होते हैं हमेशा 90 डिग्री होते हैं। अब मैंने दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखा तो मैंने पाया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को जब मैंने देखा तो मैंने पाया, क्या पाया बेटा, कि वन भी 90 टू भी 90 दोनों 90 90, तो आपस में क्या है ये बराबर है, ये दोनों क्या होंगे बराबर है। अब ये बराबर है लेकिन मैंने फिर इसको ध्यान से देखा आकृति को, तो ये आपका जेड बनना है, ये आपको क्या बना रहे हैं, ये कोण जेड बना रहे हैं। तो लिखेंगे बट दीज आर अल्टरनेट एंगल, और ये क्या है अल्टरनेट एंगल है, और ये अल्टरनेट एंगल कब हो सकते हैं, जब पी क्यू क्या होगी पैरेलल होगी किसके, आर एस के, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था। इस तरह से बेटा आज की आपकी वर्कशीट क्या होगी, पूरी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बेटा ये आंसर थर्ड है, ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।